वेरी वेरी मॉर्निंग फ्रॉम सोहरा चेरापुंजी। सो सुबह सुबह रेडी हो गए और सुबह सुबह धूप देखने के बाद जो फीलिंग आ रही है बहुत ज़बरदस्त। मैं तो कल तो भैया आपने देख ही लिया कैसी बारिश थी, ओले पड़ रहे थे और यहाँ पर भी चेरापुंजी जब हम पहुँचे अंदर तो वहाँ पर भी काफ़ी बारिश हुई। और अभी सुबह की धूप देख करके अच्छा लग रहा है, ठंड थोड़ी कम है और 7:15 हो रहे हैं। सो मैं और रायन अभी वैसोडोंग की तरफ निकल रहे हैं जो कि एक बहुत जाना माना फॉल्स है चेरापुंजी का, वेरी नोन प्लेस। सो वहाँ के आपको कुछ शानदार नज़ारे दिखाएंगे। और हमारा जो ये स्टे रहा सिंडी होम स्टे में, बड़ा ही अमेजिंग रहा यार, बहुत ही लवली है यहाँ के होस्ट जो है। और खाना वगैरह भी ज़बरदस्त ही खाया हमने रात भर में। और ऐसी जगह पर है कि चारों तरफ खाली ही खाली, एक्चुअली ये जो एरिया है ये एक सॉर्ट ऑफ विलेज है जहाँ पर चारों तरफ खाली खाली लैंड है, छोटे छोटे घर हैं और उस ही बीच में ये होम स्टे बनाया हुआ है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आज यहाँ से हमको वैसे चेकआउट भी करना है बट पहले हम वैसोडोंग होके आएंगे और फिर यहाँ से एक दूसरे रिजॉर्ट में हमारी बुकिंग है और फिर वहाँ से आगे के प्लान्स आपको पता चलते रहेंगे। थोड़ा सा ऑफ रोड है ये रास्ता और अपने हेवी ड्राइवर रायन द बॉस आ गए अपने मैकलारन F1 मोड में और उनके हाथ में है, उन्होंने पहना जबरदस्त वाले ग्लव्स मैकलारन वाले लेवल्स के। आप फीलिंग भी वही आ रही है, फीलिंग भी पूरी वही आ रही है। और अभी पूरी तरह से ऑफ रोड करते हुए वैसोडोंग फॉल्स की तरफ पहुंच रहे हम लोग। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक दिस। सलमान खान के फैन नहीं पर सलमान के मिमिक्री के फैन, मिमिक्री के फैन है। और कानों में वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा नीचे ट्रैक करके जाना है, वैसे स्टेप्स बने हुए हैं। एक्साइटमेंट है बॉस, वैसे ज़िगज़ैग्स है। स्टेप्स काफ़ी छोटे हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स। स्टेप्स अभी थोड़ा हट चुके हैं, अभी नॉर्मल ट्रैकिंग हो गई। So we decided to see the viewpoint first. Bear Grylls. Yes. Man versus wilds. That's fantabulous. Awesome. Mind blowing. Grow up. Whoa. Worth. वैसे ज़्यादा ट्रैक नहीं है, अमेजिंग, बट यहाँ से जाना अलाउड नहीं है।
सो यहाँ से ज़बरदस्त नज़ारे शूट करने के बाद अभी हम मेन वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। थोड़े ऊंचे हैं ये वाले स्टेप्स। उन्होंने ऑप्शन दिया, अगर आपको व्यू पॉइंट देखना है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो आप नॉर्मल स्टेयर्स से चले जाओ, लेकिन अगर आपको वाटरफॉल के पास जाना है तो भाई रास्ता थोड़ा ऐसा है। आ जा। ओह माय गॉड, वो सीढ़ियां लेके अभी नीचे जाना है। बस मेहनत है मेन वाटरफॉल तक पहुंचने में, क्योंकि उतर तो रहे हैं चढ़ने में लगेगी वॉच। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। पकड़ने का यही दिया है। दिस साइड दैट साइड, इस तरफ है वाटरफॉल। सही जा रहे हम लोग। रायन रह गए पीछे, मैं आगे आगे। और भाई साहब ये है मैसोडोम फॉल्स। चुम्मा चले हवा के संग, चल चले प्यार में हम, आओ चले हवा के संग, चल चले प्यार में हम। से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है सच बताओ तो। इतना ज़्यादा हमने यहाँ फोटोज़ खींचे, वीडियोज़ लिए, पर ऐसा लग रहा है बस यहीं पे रहो, क्योंकि पानी का जो ये कलर है ना, इसको देख कर के इतनी खुशी मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त। तो सोचा कि एक स्टेप वहाँ ऊपर जाए और थोड़ा वहाँ पर भी जा कर के इन्जॉय करें। ये चढ़ना है और ऊपर जाना है। फर्स्ट लेवल पे तो आ गए, सेकंड लेवल पे जाना है। सो दिस इज द ओएसिस, ओएसिस, ओएसिस जो भी बोल लो, नंबर टू ऐसे डोंग फॉल्स का। आओ चले हवाओं के संग, चल चले प्यार में हम, आओ चले हवाओं के संग, चल चले प्यार में हम, आओ चले हवाओं के संग, चल चले प्यार में हम। नजारे चले हवाओं के संग, बताते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड इट विल लुक लाइक वी आर चोडोफाइंग 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट। इजी है रायन, इजी है, आप पता है इजी है, उन्होंने बनाया इतना अच्छा है।
इसको कहते हैं असली ट्रैकिंग भाई। नहीं लेकिन जो भी आर्किटेक्ट है इसका उसको हैट्स ऑफ है। और ये आर्किटेक्ट कोई पढ़े लिखे आर्किटेक्ट या ऐसे ही आर्किटेक्ट नहीं है, डिग्री होल्डर्स ये सारे आर्किटेक्ट, गांव के लोग, इन लोगों ने ये सब बनाया 100%। चल क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? सही ट्रैकिंग हो गया दोस्तों, सही ट्रैकिंग तो हुई लेकिन इतनी खूबसूरत जगह के दर्शन भी हमको नसीब हुए। सच कहूं तो वर्थ था दोस्तों। और वापसी में भी कुछ बहुत बढ़िया लैंडस्केप कैप्चर किए। मैं हूं यहां बादलों से कहीं ऊपर मैं खड़ा। यार दोस्तों, इन सारे वीडियोस को शूट करने में और एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है, सो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो अगले एपिसोड में हम निकले मेघालय के फेमस केव। My God. Cave is really deep actually, but this is not allowed. यहाँ पर एंट्री नहीं। Should we go and try? कहाँ? नहीं नहीं। Just want to check. और एशिया के क्लीनेस्ट विलेज को एक्सप्लोर करने। Moss in Rom, Moss in, Moss in, Mall in Long, Mall in Long, हाँ। वैसे ये जो एपिसोड होगा ये थोड़ा लंबा होने वाला है बॉस। रहमत बरसा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव। कहानी कोई